मेरठ भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक जिला है। यह शहर गंगा और यमुना नदी के बीच बसा हुआ है। यह जिला देश की राजधानी नई दिल्ली से करीब 72 किलोमीटर तथा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 453 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मेरठ जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR का भी हिस्सा है और NCR का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इस जिले में भारतीय सेना की एक छावनी भी मौजूद है। यह जिला उत्तर प्रदेश के सबसे तेजी से विकसित और शिक्षित होते क्षेत्रों में से एक है। दोस्तों, मेरठ को रावण का ससुराल भी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी का जन्म इसी शहर में हुआ था। इस जिले के इतिहास पर नजर डालें तो 1803 से 1858 के बीच में इस शहर का गठन हुआ था। दोस्तों, मेरठ ही वो शहर है जहां से अंग्रेजों के खिलाफ पहली क्रांति की शुरुआत हुई थी। महाभारत काल के दौरान जो कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर हुआ करती थी, वह वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत आती है। इसके अलावा मेरठ में कई खेलों के लिए एकेडमी भी मौजूद है। वहीं ये शहर अपने क्रिकेट बैट्स के लिए भी फेमस है। भारतीय क्रिकेट टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो कि मेरठ में बने बैट्स से खेलना पसंद करते हैं। जिले के क्षेत्रफल की बात करें तो इस जिले का क्षेत्रफल 2522 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं जिले की जनसंख्या की बात करें तो लगभग 50 लाख से ऊपर है। जिले के अंतर्गत 3 तहसीलें आती हैं, मवाना, सरदना और मेरठ। नौचंदी मेला मेरठ जिले की शान है। यह मेला प्रति वर्ष लगता है। इस जिले की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यह क्षेत्र स्पोर्ट सामान निर्माण के लिए देश के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक है। इसके अलावा शहर में कुछ प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां भी मौजूद हैं और भी कुछ छोटे बड़े उद्योग मौजूद हैं। आवागमन के दृष्टिकोण से यह जिला सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग अर्थात तीनों मार्गों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मेरठ के कुछ प्रसिद्ध हस्तियों की बात करें तो संजीव त्यागी और अरुण गोविल मेरठ से ही हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं मेरठ जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में जिनके बिना मेरठ जिले का भ्रमण अधूरा है। ओखड़नाथ मंदिर। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इस मंदिर का विशेष योगदान रहा है। यह मंदिर महानगर में छावनी क्षेत्र में स्थित है। शहीद स्मारक उन बहादुरों को समर्पित है जिन्होंने 1857 में देश के लिए प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दे दी। जिले में ऐसे और भी पर्यटन स्थल हैं जो कि देखने योग्य हैं।